आपके साथ। महिमा चौधरी इन दिनों अपनी कमबैक फिल्म द सिग्नेचर की तैयारी में बिजी हैं। इस फिल्म से वे 8 साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी। इसी बीच महिमा ने एक इंटरव्यू में 1999 में फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान हुए रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की है। महिमा फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के आखिरी दिन जब लोकेशन पर जा रही थी तभी उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में महिमा के चेहरे पर काफी चोट आई थी। महिमा ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने को स्टार अजय देवगन और डायरेक्टर प्रकाश झा से गुजारिश की थी कि वो इस बात को सीक्रेट रखे, नहीं तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बायकॉट कर दिया जाएगा। महिमा ने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे फेस पर कितने कट्स लगे हैं। एक दिन मैंने खुद को बाथरूम के मिरर में देखा। उससे पहले मैं प्रकाश झा से कह रही थी कि चलिए शूटिंग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स मुझे देख चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं अभी रुको। फिर मैंने जब अपना फेस देखा तो मुझे समझ आया कि मेरा चेहरा काफी खराब हो गया है। फिर मैंने अजय देवगन और प्रकाश जी से कहा कि प्लीज इसके बारे में किसी को नहीं बताना कि मेरे साथ ये सब हो गया है। मैं देखती हूँ कि सबके साथ मैं कैसे अपना करियर बचा पाऊंगी। फिल्म के प्रोडक्शन में लगे किसी भी व्यक्ति ने बात किसी शेयर नहीं की। 20 साल बाद जब मैंने कहानी शेयर की तो लोगों को पता चला। महिमा ने आगे कहा, वो बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैं तब काफी यंग थी। अजय मुझे बार बार समझाते थे कि सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं अन्य करियर ऑप्शन के बारे में सोचने लगी थी। आज भी मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तब से कैमरा सामने से फेस नहीं करती, हमेशा कोई एंगल से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती हूँ। 1997 से 2002 तक महिमा का करियर बेहतरीन रहा। इस पीरियड में उन्होंने परदेश, दाग द फायर, धड़कन और कुरुक्षेत्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही और 2006 के बाद वे स्क्रीन से लगभग गायब हो गई। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।